हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको कुछ डिटेल शेयर करने जा रहा हूँ आपके साथ में, जो आहुजा AMX-60 PA मिक्सर के बारे में रहेगा। मतलब इसके मैं कुछ डिटेल शेयर करूँगा आपके साथ। तो सबसे पहले जो मिक्सर है, इसमें आपको 6 चैनल मिलेगा। यहाँ आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 चैनल का मिक्सर है। अब मैं एक चैनल के बारे में आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। अब अगर इसमें जो आपको इनपुट के लिए जेक पिन यूज़ करना पड़ेगा, जैसे हम लोग जेक टू जेक यूज़ करते हैं, उसका एक पिन यहाँ पे लगेगा। आप यहाँ मोबाइल कनेक्ट कर सकते हो या फिर माइक कनेक्ट कर सकते हो। मोबाइल, लैपटॉप, जो भी चीज़ आपको कनेक्ट करना है यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। तो आपको जैसे अगर माइक यूज़ करना रहेगा, माइक यूज़ करने के लिए आपको जो बटन को है ना, आप ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा। और जैसे कि आपको लाइन यूज़ करना है, मतलब अगर आप कुछ और यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप अब जैसे कि अगर आपको कनेक्ट करना है आपका लैपटॉप या फिर आपका एंड्रॉयड फ़ोन, तो यहाँ पे आपको इसका बटन को प्रेस करना है अंदर की तरफ। मतलब जो बटन है ये अंदर की तरफ प्रेस होना चाहिए कुछ इस तरीके से। अब जैसे आपको माइक यूज़ करना है, तो आपको इस बटन को ऊपर की तरफ रखना है, तभी आपको माइक चालू हो जाएगा। उसी तरीके से जो गेन है, गेन इस चैनल का मास्टर है। मतलब इस चैनल में जो भी चीज़ रहेगा उसका मास्टर यहाँ से होगा। अगर आप गेन बीच में रखेंगे, इसका जो बैलेंस है इसके हिसाब से बढ़ेगा। ये तो पावर के लिए, ये जो है सिर्फ वॉल्यूम कंट्रोल करेगा इसका। पर जो ट्रिबल बेस और ये जो हमारा पैन है, इसका जो पावर बढ़ाने के लिए रहता है। अगर आपके पास लो आउटपुट है, मतलब आप कोई एम्पलीफायर में यूज़ कर रहे हैं और उसका आउटपुट बहुत लो आ रहा है, जैसे म्यूज़िक बजा रहे हैं बहुत कम आउटपुट आ रहा है, तो आप गेन जैसे ही बढ़ाएंगे तो उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये मास्टर की तरह इस चैनल के लिए काम करता है। उसी तरीके से जैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ, बेस और ट्रिबल के लिए किस तरीके से रहता है। माइनस में आपका बेस कटेगा और राइट साइड जो प्लस है उसमें आपका बेस बढ़ेगा। और ये पीक, तो सॉरी, जो पैन है, पैन जो यहाँ पे दिया है, ये आपका चैनल के लिए रहता है। अगर आप लेफ्ट साइड करेंगे तो ये लेफ्ट चैनल के लिए रहेगा, और राइट साइड करेंगे तो राइट चैनल के लिए रहेगा। लेफ्ट और राइट कैसे रहेगा, मतलब कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आउटपुट है दो भाग में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट। आप लेफ्ट से एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हैं और राइट से एक एम्पलीफायर कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों में सिमिलर आउटपुट देने के लिए आप इसको बीच में रखिए। और अगर आपको सिर्फ लेफ्ट में चलाना है, लेफ्ट में इसका इस चैनल का आउटपुट देना है, तो आप इसका पैन को लेफ्ट की तरफ घुमा दें, तो आपका जो राइट में है इसका आउटपुट नहीं आएगा। मतलब जो भी इसमें इनपुट डाले हैं उसका जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जो नीचे वाला जो चीज़ है, ये तो जैसे मैंने बताया आपको, ये वॉल्यूम है और ये क्लिपिंग दिखाता है। मतलब आपका जो जैसे हम लोग म्यूज़िक बजाएंगे तो म्यूज़िक बजाने से यहाँ पे लाइट जलता है, आपको इंडिकेट करता है कि इतना इनपुट आ रहा है। अगर ज़्यादा लाइट जलेगा तो आपका जो पावर है ज़्यादा आ रहा है, उसका जो सिग्नल ज़्यादा आ रहा है। तो ये हो गया चैनल के बारे में। और कुछ इसमें ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टूडियो और मोनो मोड है। स्टूडियो में आप एक चैनल यूज़ कर सकते हैं, मोनो में आप एक एक चैनल को सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं, और स्टूडियो में दोनों एक साथ चलेगा। और उसके बाद ये जो है हमारा मास्टर है, पूरे मिक्सर का मास्टर है। जैसे मैंने बताया, गेन जो है एक चैनल का मास्टर होता है, उसके बाद ये जो है ट्रांसफ़र होके आता है इसमें। इसमें आने के बाद ये जो मास्टर रहता है, लेफ्ट चैनल के लिए अलग रहेगा और राइट चैनल के लिए, इस चैनल के लिए अलग मास्टर रहेगा। पूरा मिक्सर का जो मास्टर रहेगा वो यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं ऑन ऑफ स्विच, जैसे मैं इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपका LED चलेगा, यहाँ पर LED लाइट दिया हुआ है। और यहाँ पर आपको क्लिपिंग दिखाएगा, अगर आप यहाँ पर कुछ इनपुट डालेंगे, वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में एक लैपटॉप कनेक्ट करके इसमें दिखाऊंगा। और अगर आपको वॉइस चलाना रहता है, मतलब आपको म्यूज़िक वगैरह खुद का क्रिएट करना रहता है, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा किस तरीके से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों।